नमस्कार, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और आइए विस्तार से आगे की खबरों पर चर्चा करते हैं और देख लेते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। जी हां, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में तृणमूल द्वारा रानीगंज बोरो चेयरपर्सन संगीता सारडा के सहयोग से रानीगंज लॉयंस हॉस्पिटल के करीब अस्थायी तौर पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी ने फीता काटकर किया। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर रानीगंज के इलेक्शन प्रक्रिया के देखरेख का कार्यभार दिप्यांशु चौधरी को सौंपा गया। इस मौके पर मेयर जितेंद्र तिवारी ने सभी कार्यकर्ताओं को इलेक्शन के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो इसके सख्त निर्देश दिए। वहीं विगत वर्ष रानीगंज से टीएमसी की हार के पीछे का कारण खुद के कार्यकर्ताओं की गलती बताई। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता सोनू चौधरी की ये रिपोर्ट। इलेक्शन के दौरान किस प्रकार से वोटिंग करने का निर्देश देते हैं? रानीगंज की जनता बहुत वाइज है, वो जानती है क्या करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि पिछले दिनों जो हम लोग अपनी बात ठीक ढंग से रानीगंज की जनता को नहीं समझा पाए थे, इस बार हम लोग अपनी बात ठीक ढंग से रानीगंज की जनता को समझा पाएंगे और ममता बनर्जी के पक्ष में इस बार रानीगंज की जनता अपना मतदान करेगी। ऐसा सुनने को आया है कुछ असामाजिक तत्व युवाओं को भड़का रहे हैं, टीएमसी के खिलाफ कुछ असामाजिक तत्व युवाओं को भड़का रहे हैं। असामाजिक तत्व जो होंगे उनको देखने का काम प्रशासन का है, वो देख लेंगे। हम लोग असामाजिक तत्वों के बारे में नहीं सोचते हैं, जो अच्छे लोग हैं हम लोग उनके बारे में ज्यादा। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। बच्ची की लापरवाही से लगी भीषण आग। जी हां, जिला जौनपुर के थाना केराकत के अंतर्गत अजोरपुर गांव में एक छोटी बच्ची की लापरवाही से पुरा एवं झोपड़ी में लगी भीषण आग। गांव वालों ने बताया कि एक 6 वर्षीय छोटी बच्ची चना का हुरहा फूंक रही थी, उसी वक्त आग की चिंगारी पुरा एवं झोपड़ी में प्रवेश कर गई जिससे दोनों जलकर राख हो गया। जौनपुर से हमारे संवाददाता सूरज भान की रिपोर्ट। आज हम अजोरपुर में आए हुए हैं। यहाँ पर एक छोटी सी भूल के कारण यहाँ पर कुछ नुकसान हो चुका है, जिससे यहाँ के समस्त ग्रामवासी उस आग को बुझाने में लगे हुए हैं। आइए यहाँ के कुछ लोगों से जानते हैं और पूछते हैं यहाँ पर आग कैसे लगी और क्यों लगी। अंकल, आप इसके बारे में क्या कहने जाएंगे? ये आग कैसे लगी? अब आग तो भाई यहाँ मौके पर हम रहली है ना जी। अब जो हो कैसे ये ना लड़का कैसे लगा देना, लड़का को लगा देना आग, यानी आपको पता नहीं? नहीं भाई जी। आइए हमारे चाचा इससे पूछते हैं, ये बताएं आप कैसे लगी? हमको क्या पता, वो लड़का यार है, लड़का से लड़के से लग गई, कैसे लगा देना? अरे बोला खराब हुआ लग गया, बोला खराब हुआ लग गया। चलिए ठीक है, आइए यहाँ के हम बड़े हम छोटे भाइयों से पूछते हैं, ये आग कैसे लगी? बच्ची की नदानी से लगी या आपने आपसे बच्ची लगाई है? आइए पूछते हैं। बताओ 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 बोला 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 आधे घंटे पहले। वो जो बच्ची लगाई है वो कितने साल की थी? कान या खड़ी हो गया कुछ जोर तो तेरा फटक जाइयो। कैसे लगाई और क्यों लगाई? गेहूं के दाने को भूज रही थी, उससे चिंगारी उनगारी उड़ी और उसके जो वहां पर झोपड़ी थी उसमें लग गई, यानी वो चार का नहीं लगे, अनजाने में उससे गलती हुई, यही ना? जी जी। लोक कलाकारों से खास बातचीत। जी हां, जौनपुर के जलालपुर से ग्राम कुसिया निवासी योगेंद्र भारती आकाशवाणी तथा बड़े बड़े मंचों के ख्याति लब्ध लोक कलाकार हैं, जिनसे हमारी फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने की वार्ता। जौनपुर से हमारे संवाददाता विनय गुप्ता की रिपोर्ट। जुड़े हैं तमाम मंचों से, जुड़े हैं तमाम एल्बमों की, इन्होंने सेवाएं दी है देश को और तमाम कार्यक्रमों में आप अपनी बातों को रखते हैं, समाज को दिशा देते हैं। तो आइए मिलते हैं, आप जानते हैं सारी व्यवस्था, जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, अपना परिचय बताइए सर। हाँ सर, मेरा नाम योगेंद्र प्रताप भारती, पिता नाम स्वर्गीय राम किशोर, ग्राम सादुल्लापुर डौड़ी, जनपद जौनपुर। मेरी शैक्षिक योग्यता MA BEd संगीत प्रभाकर, अन्य योग्यताएँ रखते हैं जो हम
अपने जीवन काल से जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। हम छोटा बड़ा सभी मंच पर जो है कार्यक्रम देते हैं। मुझे राष्ट्रीय पथ मुझे जो है राष्ट्र पथ समर्पित है जो है, और मातृभूमि हित जन में हम सब जीवन कर दे दान। प्राण से बढ़कर अब हमको है अपना प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और हम अपना पूरा जो श्रेय जाता है हमारे गुरु जी जो है परम आदरणीय परम सत्य जो रेडियो दूरदर्शन के कलाकार हैं डॉक्टर रामसूरज भास्कर को श्रेय जाता है। डॉक्टर रामसूरज भारती जी आपके गुरु हैं? जी जी जी। अच्छा, ये बताया कितने एल्बम आप लगभग गाए? हम छोटे छोटे मंचों बहुत गाए हैं जो है, उसके बाद जो भी है जो है व्हाट्सएप पर चल रहा है हमारा है। अच्छा। भारत मेरा हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमने आकाशवाणी से भी अपना आकाशवाणी भी आपने सेवाएँ दी हैं दिया है जो है, और विभिन्न हम छोटे छोटे बड़े बड़े जो है मंचों पर जहाँ भी सेवारत रहता है हम प्रयास रहते हैं कि बढ़ा सको तो प्रेम बढ़ाओ, देश बढ़ाना मत सीखो, और जला सको तो दीप जलाओ, देश जलाना मत सीखो। हमारा एकता सौहार्द पर विशेष जो है हमारा जो है कि रहता है, फोकस रहता है कि हमारा जो है हमें जो है जात धर्म के मजहब उलझना नहीं है, हम इंसानियत के मार्ग पर चलें, ऐसा हमारा जो है मानना है और जीवन भर मानना रहेगा जो। अच्छा जोगिंदर जी, बताइए कि हमारे आप आकाशवाणी से जुड़े, तमाम मंचों से जुड़े, तमाम व्हाट्सएप फेसबुक एल्बमों से जुड़े, तो हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया के चैनल पे जो दर्शक देख रहे हैं आपको, उनके लिए कोई अच्छी सी गीत सुनाइए जो आपका फेमस गीत हो। जी जी, ठीक है ठीक है, सुना रहे हैं। मातृभूमि हित जन में हम सब जीवन कर दिए दान, राष्ट्र बढ़ के अब हमको है अपना प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम कुछ ना माने, हिंदू मुस्लिम कुछ ना माने हम वेद कुरान, वतन की खातिर मिट जाएंगे सबका है सम्मान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। श्रीमद् भागवत कथा सुन आनंदित हुए भक्त जी। हाँ, फतेहपुर असोथा थाना क्षेत्र के बेसड़ी में चल रहे साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में क्षेत्रीय भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुक्मिणी विवाह की कथा सुन अत्यंत भाव विभोर हो गए, यहाँ तक कि लोग आनंदित होकर जमकर नाचने भी लगे। कथा के अंतिम दिन यज्ञशाला के साथ ही दिन रात रासलीला एवं रामलीला का कार्यक्रम लगातार एक सप्ताह से चल रहा था। कथाकार साध्वी संध्या तिवारी व उनके सहयोगियों द्वारा कथा कही गई। अंत में भव्य हवन व भंडारे का भी आयोजन किया गया। फतेहपुर से हमारे संवाददाता श्रवण कुमार तिवारी की रिपोर्ट। असोथर थाना क्षेत्र ग्राम बिसड़ी में चल रही है और कथा व्यास मंच पर साध्वी जी उपस्थित है। आइए इनके विचारों को दो क्षण लेने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी, बताने का कष्ट करें। हाँ, अब बताइए आज की कथा का क्या प्रसंग था, इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बलराम जी का विवाह का चरित्र था जी, और रुक्मिणी घनश्याम जी का परिणय हुआ। हमें रुक्मिणी घनश्याम जी से सीख मिलती है जी कि जब तक बेटी का कन्यादान नहीं होता जी तब तक बेटी किसी के घर की बहू नहीं बन सकती, लक्ष्मी नहीं बन सकती, क्योंकि रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। लेकिन भगवान संसार को दिखाना चाहते हैं कि जब तक हम बेटी का कन्यादान ना करेंगे तब तक हमारी बेटी किसी की बहू नहीं बन सकती। क्या बात है, बड़े ही सुंदर विचारों के साथ में कन्यादान पर प्रकाश डाला आज की कथा की। पुरोधा के रूप में उपस्थित जनमानस को संबोधित करने वाली कथावाचिका साध्वी संध्या तिवारी जी के द्वारा सुंदर विचारों को सुना। इसी के साथ श्रवण कुमार तिवारी, फास्ट न्यूज़ इंडिया, फतेहपुर। अपहरण की गई लड़की की बरामदगी व सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। जिला थाना अंतर सुइया प्रयागराज से एक लड़की को अज्ञात लोगों द्वारा मोबाइल पर कॉल करके नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपहरण कर लिया गया था। मुखबिर से सूचना मिली कि अपहरण की गई लड़की शहर में छिप कर चलाए जा रहे सेक्स रैकेट के चंगुल में फंस गई है, जिसे मुंबई ले जाने के लिए टंडन पार्क सिविल लाइन चुरप कॉम्प्लेक्स के पास लेकर बैठे हैं। इतने में अंतर सुइया थाने की पुलिस टीम द्वारा अपहरण की गई लड़की को सकुशल बरामदगी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया और तीन अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से चार मोबाइल, एक लैपटॉप और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पकड़ने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 25,000 के पुरस्कार की घोषणा की।
प्रयागराज से हमारे संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। सफलता प्राप्त की गई है पुलिस टीम के द्वारा, इसमें मोबाइल पर कॉल करके नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया था एक युवती को, उसका अपराध किया गया। इसमें प्रभारी निरीक्षक अतुलसिया की टीम जो लगी थी उसमें साथ में स्वाट की टीम लगी थी, इसमें सेक्स रैकेट के चक्कर में फंसी इस महिला को बरामद किया गया। ये इसमें तीन लोग गिरफ्तारी हुई जिसमें अंकित वर्मा, नीतीश चौधरी और महिला अभियुक्त खुशी सिंह, ये तीनों लोग मिले हैं। इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया, इसमें से एक क्लाइंट भी था जिसकी मोटरसाइकिल मौके से बरामद हुई है, ये प्लस आरएस करके है। इसमें चार मोबाइल, एक लैपटॉप और मोटरसाइकिल बरामद हुई, और जो तीनों व्यक्ति हैं इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसमें हम इन्हें 25,000 रुपये। कहाँ कहाँ तक रैकेट ये फैला था, क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है? ये कई जगहों पर बताया गया कि ये अलग अलग जगहों पर रुकते थे, वहाँ पर होटल में भी रुकते थे, क्लाइंट को होटल में रुकवाया जाता था, उसकी गाड़ी आती थी उनको, लड़कियों को ले जाती थी, और साथ में कई जगहों से दिल्ली से, मुंबई से लड़कियाँ बुलाई जाती थी, आगरा से बहुत जगह से लड़कियाँ बुलाई जाती थी। इस लड़की को मुंबई ले जाने की फिराक में थे जी। तो इसमें कुछ नेटवर्क खंगाला जा रहा है और कुछ इसमें और कुछ पीड़ित लड़कियाँ इसमें हो सकती है? हाँ, इसमें जो है हम लोग इसको और खंगालेंगे क्योंकि ये बड़ा रैकेट हो सकता है, उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा सर जो दूसरे मामले हैं जैसे चोर को जो है। फास्ट न्यूज इंडिया पर खबरों का क्रम इसी तरह जारी है और आगे भी जारी रहेगा, लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।